बस गाइस, दिस इज योर ब्रो। और आज हम लोग दोबारा आ चुके हैं एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज मैं और मेरे फ्रेंड्स खेल रहे हैं क्लैश फॉर रैंक। तो यहाँ पे हमने प्लान किया था कि हम लोग 4-0 से ही एनिमीज को हराएंगे इस बार, पर जो प्लान करते हैं वो कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ M500 और सीधा चल जाता हूँ राइट साइड की तरफ। वहाँ पर मेरा फ्रेंड डाउन हो चुका है और मैं यहाँ पर वन टैप के चक्कर में। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे राइट साइड से एक बंदा WSP से किल कर देता है। भाई इतनी जल्दी तो मैं कभी किल नहीं हुआ यार। फर्स्ट राउंड में बहुत फास्ट इन लोगों ने हमें किल किया। और मैं जो दूसरा फ्रेंड है वो बहुत कम HP में था, उसको मेडिकेट तक मारने का टाइम नहीं मिला। और ये तो ग्रेनेड के थ्रू एक बंदे को थोड़ा डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, जो उसने कर भी दिया। और फिर कटाना से उसको नॉक डाउन करने की था पर नहीं कर पाया इस बार। कोई ना, सब इस पर चढ़ गए थे। चलो तो सेकेंड राउंड में मैंने उठा ली थी M1917। और मैं यहाँ पे एक बंदे को डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे वो दिखता है मैं उसको धड़ गोली मारता हूँ, पर मैं ही डाउन हो जाता हूँ यार। तो मेरा फ्रेंड यहाँ पे दिमित्री की पावर यूज़ करके मुझे बचा लेता है। और मैं जैसे ही दिमित्री से आउट होता हूँ मैं एक बंदे को थोड़ा सा डैमेज करता हूँ और फिर राइट साइड की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा था तो मैं उसको थोड़ा सा डैमेज किया है। अब जैसे ही मुझे वो दिखता है मैं उसको थोड़ा सा डैमेज करके वापस से किल नॉक डाउन कर देता हूँ, और इस बार उसका किल कन्फर्म कर लेता हूँ। वो आप ऊपर जाते ही मुझे पता चलता है कि वहाँ पे एक बंदा है, और आई वॉज डेड। लो, दूसरा राउंड हार गए हम लोग। अब इतनी जल्दी से दो राउंड हारे हैं। अब थर्ड राउंड में मैंने बिजोन उठा ली थी, क्योंकि मुझे था इस राउंड को तो निकालना है यार, क्लोज रेंज फाइट करूँगा। और यहाँ पे मैं थर्ड नंबर पे एक किल के साथ, चल कोई नहीं, एक किल तो है कम से कम। और मैं और मेरा एक और फ्रेंड निकल जाता है पीछे की तरफ। वहाँ पे दो बंदों की साउंड गन साउंड आने आ गई थी हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को दो बंदों की गन साउंड तो आ रही है। अब क्या करना है हम लोग को कि हम लोग साइड से देख रहे हैं उसको, पर मेरा फ्रेंड अलग इंसान वो कूद जाता है और पीछे से मुझे थोड़ा सा डैमेज मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, सामने वाले बंदे को किल करते ही सीधा ओरियन लगा लेता हूँ। ओरियन की एबिलिटी के कारण बच गया यार, चलो, पर उसको मारने के बावजूद मर जाता हूँ यार। और मारने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे सामने रिवाइव हो गया दोनों। बट एक तो हम लोग इतना मेहनत से मारे और दूसरे एंड। चलो तो हम लोग स्नाइपर प्लेयर भी बहुत जल्दी मर गया। चलो लास्ट गेम, नेक्स्ट गेम। अब देखते देखते हमारा 0-3 हो चुका था भाई। 0-3 हम लोग का 0। तो इस राउंड में हमने सोचा था कि कम से कम इस राउंड को तो निकालना है। तो मैं बिजोन उठा के फिर से रेडी हो जाता हूँ। इस बार मैं ओरियन को फुल चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं तो सब बीच में जाके डैमेज कर दूंगा सबको, और फिर सब लोग मार देंगे उन लोग में कम से कम एक दो को। तो यहाँ पे मैं पीछे की तरफ निकल लेता हूँ और वहाँ पे हमारा फ्रेंड को जल्दी जल्दी सब लोग नॉक डाउन कर लेते हैं। तो एक बंदे को मैं हेड मार के डाउन कर लेता हूँ, फिर ओरियन लगा के मैं सीधा बीच में घुस जाता हूँ, जिससे उसका सोनिया हो जाता है। और फिर दूसरा बंदा ओरियन लगा रहा था तो मैं फिर से एक और बंदे को हेड मार देता हूँ, पर जिस बंदे को मैंने सबसे पहले डाउन किया था वो रिवाइव होकर मुझे मारने जा रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने उसको मार दिया। भाई यहाँ पे मेरा एक और किल होता। चलो कोई बात नहीं, हम लोग का फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने ले ली थी ऑग। मैंने सोचा था कि मैं इस राउंड में कम से कम पीछे एक लॉन्ग रेंज खेलूँगा, पर जो मैं खुद प्लान करता हूँ वो मैं तो नहीं करने वाला। तो इस राउंड में मैं सीधा चल जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि एक साथ मत रहो, ग्रेनेड आएगा सब मर जाएंगे, पर हमें तो लूट करनी थी। तो हमने यहाँ से ग्लू वॉल उठा ली थी सीधा, मुझे बस ग्लू वॉल चाहिए था। और मेरे फ्रेंड ने UMP छोड़ी थी तो मैंने उसे भी उठा लिया। और यहाँ पे चल रहा था खतरनाक मैच, 3 उस साइड के बंदे और 3 हमारे तरफ के बंदे। तो मैं जल्दी से ओरियन लेके सीधा बीच में घुस जाता हूँ, जिससे दो बंदों को डैमेज पड़ता है। और मेरे पीछे इस टाइम पे एक बंदा था तो मुझे उसे डाउन करना था। चलो मैंने उसे थोड़ा डैमेज दिया, पर मेरे दूसरे फ्रेंड ने आके उसका किल कंफर्म कर लिया, किल चुरा लिया यार उसने। चलो नेक्स्ट राउंड की बारी। इस राउंड में बिना कुछ किए हम, बिना किसी किल के हम लोग निकाल लेते हैं। अब बारी है सिक्स्थ राउंड की। इस राउंड में हम लोग मिला था फैक्ट्री। तो मैंने प्लान किया था कि मैं राइट साइड से घूम के जाऊँगा और पीछे से बंदों को मारूंगा, मैंने ऐसा सोचा था। पर जो सोचते हैं वो होता था ना, अभी बिल्कुल नहीं हुआ इस राउंड में। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ मैं हूँ इस टाइम सेकंड नंबर पे 3 किल के साथ। चलो
तीन किल तो थे। अब मैं राइट साइड से जल्द सीधा निकल जाता हूँ और ऑक से देखता हूँ कि कोई सामने से तो नहीं है, फिर मैं सीधा राइट साइड की तरफ निकल लेता हूँ। राइट साइड से सीधा मैं चल लिया आगे की तरफ। अब यहाँ पे मुझे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है, और जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने ऑलमोस्ट सबको निकाल दिया, बस एक बंदा बचा हुआ है और मेरे एक और फ्रेंड ने उसको भी निकाल दिया बिना कुछ किए। इस राउंड में भी हम लोग पास आउट हो जाते हैं। अब बार ये लास्ट राउंड की, इस राउंड मैंने सोचा था कि मुझे किल तो करना है क्योंकि खाली हाथ नहीं बैठना इस राउंड में, तो मैं ऑक की जगह M10 ले लेता हूँ और उसको ट्रिपल चिप से चार्ज कर लेता हूँ और मैच के लिए रेडी हो जाता हूँ। ओके चलो मैच स्टार्ट होने वाला है। बस मैच स्टार्ट हो गया। अब मैं लेफ्ट साइड जाने वाला हूँ, सीधा लेफ्ट से घुसूंगा और यहाँ पे धमाकेदार मैच चल रहा था तीन में हमारी टीम के, और मैं घुसते ही सीधा एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और ओरियन से दूसरे बंदे की थोड़ी सी हेल्प खींच लेता हूँ, और वो बंदा फिर से ओरियन लगा लेता है। और अब मुझे पीछे भागने के अलावा कोई चांस नहीं था, पर स्टिल मैंने उसे मार दिया और मैं अपने फ्रेंड को रिवाइव करने जैसे ही जाता हूँ तब तक हमारा बूझा हो जाता है। तो यही तक था आज का मैच। थैंक यू फॉर मच फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।